सो अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो पहला सवाल जो दिमाग में स्ट्राइक करता है वो ये कि क्या मुझे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बेसिस पे काम शुरू करना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म बनानी चाहिए, एलएलपी बनानी चाहिए या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। सो अगर आप अकेले काम करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके बिजनेस में किसी और पार्टनर या किसी और प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेहतर है कि आप जल्दी और आसान शुरुआत करें। यानी आपके लिए बेहतर है कि आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना लें। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाना इजी है, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे स्टेट्स में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इतना इनफ होता है आपके इस एंटिटी, आपके इस बिजनेस के रिकॉग्निशन के लिए। बहुत सारे स्टेट्स में तो इवन जीएसटी नंबर लेना भी इनफ होता है कि आपकी ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर हो गई है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, रीजन बीइंग कि आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है, आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको और भी बहुत सारे पार्टनर्स चाहिए, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। आप चाहें तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप चाहें तो एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तीनों ही एंटिटीज एक दूसरे से डिफर करती हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने लिमिटेशंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि बेहतर कौन सा है नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। तो पहले थोड़ा एलएलपी को ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में हम पहले से जानते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बहुत पुराना टर्म है, जबकि एलएलपी एक नया टर्म है, 2008 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। सो अगर हम देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकें और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकें। तो अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा फीचर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो ये कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, तो एक बहुत अच्छा फीचर इसका ये कि ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसको रन करना, ऑपरेट करना, रजिस्टर करना बहुत आसान है। तो इन दोनों ही एंटिटीज यानी पार्टनरशिप फॉर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों के बेस्ट फीचर्स को क्लब करके एलएलपी का फॉर्मेशन कर दिया गया। अब एलएलपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखा जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशन और रनिंग बहुत ईजी है। तो चलिए फीचर्स के बेसिस पे समझते हैं कि ये एंटिटीज एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं और कौन सी एंटिटी आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए सूटेबल है। तो पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो पहले पॉइंट के बेसिस पे हम इसको एनालाइज करते हैं। पहला पॉइंट कि लायबिलिटी किसकी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जबकि एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये लिमिटेड है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे और क्या मतलब है लायबिलिटी का अनलिमिटेड होना। सो लेट्स से कि अगर आप और आपके पार्टनर एक बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस लॉस में चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेट्स से कि 10 लाख रुपए की लायबिलिटी आप पे आती है और बिजनेस के पास फंड नहीं है, बिजनेस के पास असेट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी यानी उसके पर्सनल असेट्स भी बेचने पड़ेंगे उन लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए। जबकि ऐसी ही सिचुएशन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी में आती है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही है। यानी अगर 10 लाख की लायबिलिटी है जबकि पार्टनर्स का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए का है, तो पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में उस 4 लाख रुपए तक के लिए ही लायबल हैं, उससे ज्यादा नहीं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ज्वाइंट लायबिलिटी। अब इसको भी समझते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी एक तो अनलिमिटेड है, दूसरी ज्वाइंट लायबिलिटी है। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि 10 लाख रुपए की बिजनेस की लायबिलिटी आती है, बिजनेस के पास फंड या असेट्स नहीं है, पार्टनर्स हैं हमारे पास तीन, एक का परसेंटेज है पार्टनरशिप में 15%, एक का 35% और एक का 50% की पार्टनरशिप है इस पार्टनरशिप फॉर्म में। अब मान लेते हैं कि 50% होल्डिंग वाले पार्टनर के पास में जीरो असेट्स हैं, यानी उसके पास कुछ भी असेट्स नहीं है, जबकि 15% और 35% होल्डिंग रखने वाले पार्टनर्स के पास अच्छे खासे शेयर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बावजूद इसके कि आपकी होल्डिंग 15% या 35% है, आप अपने पर्सनल असेट बेच कर भी अपनी फॉर्म की लायबिलिटीज को सेट ऑफ करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, लीगल कंप्लायंसेस की बात करते हैं। सो पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, जबकि एलएलपी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, यानी हम मीडियम बोल सकते हैं। जैसे
एक रिक्वायरमेंट है एलएलपी के केस में कि अगर आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक ये बोल सकते हैं लिमिटेशन कि यहां लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो इवन दो आपके बिजनेस लॉस में जा रहा है, आपके कोई प्रॉफिट्स नहीं है, बट उस सिचुएशन में भी आपको पूरे कंप्लायंसेस करने हैं, आपको ऑडिट कराना है, आपको फाइलिंग करानी है, सारे रिटर्न्स फाइल करने हैं, तो बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इसको रन करना, ऑपरेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स पे। तो अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने बताया कि बहुत इजी है, एक डीड साइन होती है पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वैसे ही अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में जो अग्रीमेंट है वो एक इजी अग्रीमेंट बनता है, यानी पार्टनर्स के बीच में एक एलएलपी अग्रीमेंट बनता है। जबकि अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, शेयर होल्डर अग्रीमेंट होता है जिसमें तमाम चीजें बताई जाती है कि शेयर होल्डर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, कंपनी की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी होल्डिंग्स हैं, और तमाम फीचर्स और तमाम चीजें डिटेल में लिखी होती हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की। सो पार्टनरशिप के केस में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेम होता है, यानी जो लोग पार्टनर्स होते हैं वही इस बिजनेस को रन करते हैं, वही सारी चीजों को टेक केयर करते हैं। एलएलपी की बात करूं तो यहां भी पार्टनर्स ही होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग नहीं है, यानी मैनेज करने वाले भी वही लोग हैं और बिजनेस को ओन करने वाले लोग भी वही हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो यहां मैनेजमेंट अलग होता है, बिजनेस को रन करने वाले लोग अलग होते हैं और ओनर या शेयर होल्डर अलग होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक शेयर होल्डर बिजनेस को रन करने में पार्टिसिपेट करेगा या उसका हिस्सा बनेगा। आसान भाषा में बोल सकते हैं कि बिजनेस के डायरेक्टर्स जो कि बिजनेस को रन करते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बिजनेस के मालिक यानी शेयर होल्डर जो होता है वो अलग होते हैं। एक और पॉइंट को समझते हैं, नेम सिक्योरिटी। तो अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो आपका नेम सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने अपने आसपास में देखा हो अग्रवाल स्वीट्स, तो अग्रवाल स्वीट्स जो है ये कोई एलएलपी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रोप्राइटरशिप शॉप भी हो सकती है या एक से ज्यादा लोग मिलकर रन कर सकते हैं। सिंस नेम सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से ये नाम बहुत जगह देखा होगा आपने। इसके उलट अगर हम बात करें एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो यहां नेम सिक्योरिटी होती है, यानी आपने अपने बिजनेस का जो नाम दिया है वो पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, उस नाम से कोई और एंटिटी नहीं हो सकती है, तो नेम सिक्योर हो जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड रेजिंग, यानी अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो, और ऐसे सिचुएशन में आपको फंड चाहिए, तो अगर आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है तो आपको फंड मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट, कोई एंजल फंडिंग वाले लोग आपको फंडिंग करेंगे। हाँ, आप लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, रिलेटिव से लोन लेकर के अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, लेकिन किसी तरीके की वीसी फंडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। रीजन बीइंग कि यहां शेयर होल्डिंग नहीं होती है, रेदर पार्टनर्स होते हैं और ऐसे सिचुएशन में वीसी फंड नहीं करते हैं। अब समझते हैं एलएलपी के केस में क्या होता है। एलएलपी के केस में भी आपको किसी तरीके की वीसी फंडिंग या एंजल फंडिंग नहीं हो सकती है, रीजन बीइंग अगेन यहां शेयर होल्डिंग नहीं होते हैं। यहां एलएलपी के केस में आप अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसके शेयर्स नहीं दे सकते हैं और इस वजह से फंडिंग मिलना मुश्किल है। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर हम प्राइवेट लिमिटेड फर्म की बात करें तो ये कि अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको फंडिंग मिल सकती है, आपको वीसीज मिल सकते हैं, आपको एंजल ब्रोकर्स या एंजल फंडिंग वाले लोग मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा दे सकते हैं, इसके एवज में वो आपके बिजनेस में सर्टेन परसेंटेज हिस्सेदारी मांगते हैं। सो आप शेयर दे सकते हैं इस तरीके के, साथ ही साथ आप अपने एम्प्लॉयज के लिए ईसॉप्स दे सकते हैं। ईसॉप्स का मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज को ये बोल सकते हैं कि आप मेरे बिजनेस में आप काम करते रहो 2 साल 4 साल, एक पीरियड बता सकते हैं, अगर आप सर्टेन ईयर्स तक आप काम करते हो तो आपको आपके इस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसलिए वो ज्यादा एफर्ट्स डाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कराता है सो दैट उसके ईसॉप्स की वैल्यू भी ज्यादा हो। तो ये थे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इन 3 एंटिटीज के बेसिस पे। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पर्टिकुलर एंटिटी बेस्ट है,
क्योंकि तीनों के ही अपने फायदे अपने लिमिटेशंस हैं। ये आपको अपनी नीड के बेसिस पे समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, एलएलपी बनानी है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के बेसिस पे आप अपने काम को शुरू करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब तक हम किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।